नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने दो का एक किया है तो एक फंदा घट गया, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए ऐसे बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दो का एक किया था तो एक फंदा घट गया, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया और उसके पहले जाली दे दिया, यानी एक फंदा घट भी रहा है और साथ ही साथ बढ़ भी रहा है, यानी फंदा बैलेंस हो गया। फिर अगला फंदा सीधा, फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा घट गया, इसको बैलेंस करने के लिए ऊन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे एक फंदा घट गया और जाली देने से एक फंदा बढ़ गया, यानी फंदे बैलेंस हो गए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने जाली भी दिया और दो का एक भी किया, यानी कि हमने साथ ही साथ बढ़ाया भी है और घटाया भी है। अब दो का एक करने के बाद अगला फंदा सीधा, फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए दो का एक करेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा घट गया, इसे बैलेंस करने के लिए ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदे को जाली देते हुए सीधा बन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो सेकेंड रो में हमने सभी फंदे को उल्टा बना लिया। थर्ड रो और फ्रंट साइड, थर्ड रो में हम अपने पहले रो को ही दोहराएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने दो का एक किया लेकिन उसके पहले जाली दे दिया, यानी कि हमारा फंदा बैलेंस हो गया। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे एक फंदा घट गया, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे इस फंदे को बैलेंस करने के लिए और अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में
और दोनों को एक फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा जाले देते हुए सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ रहा है और एक फंदे के दोनों तरफ दो दो फंदे लेकर दो का एक किया गया है। तो इसी तरह बुनते हुए अब यहाँ पे देखिए, इस फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ा है और इस फंदे के यहाँ पे दो का एक किया, अगला फंदा सीधा, और फिर हमें यहाँ पे हमने दो का एक किया है और इस फंदे को भी हमें दो का एक करना पड़ेगा। तो दो का एक करने से एक फंदा घट गया, तो लास्ट फंदे में हमें जाले देना होगा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, यहाँ पे हम अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। पिछले लाइन में हमने पहले जाले दिया था, इस बार दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और अब हम उन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे में जाले देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे, जाली देते हुए सीधा बना दे। हमने पहले जाली लिया और उसके बाद दो फंदों को एक किया। अब देखिए, पिछली लाइन में यहाँ पे हमने जाली बनाया था, तो यहाँ पे हमें अब की जाली नहीं बनाना है। देखिए, यहाँ पे हमने दो का एक किया था और अब इस फंदों को भी हम दो का एक करेंगे, लेकिन इस बार इसका मुंह इधर की तरफ होगा, इस फंदे की तरफ होगा। पिछली लाइन में ये फंदा मेन था और ये दोनों फंदे इस डायरेक्शन में आए हुए थे, ऐसे इस फंदे के और इन दोनों का सिरा था। अब की बार ये फंदा मेन हो गया है, ये जाली वाला फंदा मेन हो गया है। तो देखिए, ये हमने इस डायरेक्शन में ये किया है। अब इन दो फंदों को हमको इस तरफ मुड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी हमारा दूसरा फंदा जो है वो मेन ऊपर आ गया। यहाँ पे पहला फंदा ऊपर था, यहाँ पे दूसरा फंदा ऊपर रहेगा। पहले लाइन में और तीसरी लाइन में हमने देखिए, इस फंदे के दोनों तरफ दो फंदे लेकर एक किया था और इस लाइन में इस फंदे के हमें दोनों तरफ जाली बनाना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा देखिए, यहाँ जाली बनाया था पिछली लाइन में, तो इस लाइन में हमें यहाँ पे ना जाली नहीं बनाना है, यहाँ पे हमने दो का एक किया और अब इन दो फंदों को एक साथ लेना है और दो का एक करना है। पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा। यहाँ पे दो का एक किया, एक फंदा घट गया, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे देखिए, पिछली लाइन में हमने यहाँ पे जाली नहीं डाला था, तो अब की यहाँ पे हमें जाली डालना है। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे तो ये जाली पड़ जाएगा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, यहाँ देखिए हमने जाली दिया था, अब कि यहाँ पे जाली नहीं देना है। अगला फंदा सीधा और फिर इन दो फंदों को हमें एक साथ लेना है और दो का एक करना है। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, सातवीं लाइन हमें पांचवीं लाइन की तरह ही बनाना है, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेना है, दो फंदों को एक साथ लेना है, एक सीधा फंदा बनाना है
फिर ऊन अपनी ओर करना है। अगले फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है। अगले फंदे के दोनों तरफ हमने जाली देना है, तो एक जाली इधर पड़ गया और दूसरी जाली दो फंदों को एक साथ लेते हुए और दो का एक करते हुए और ऊन अपनी ओर किया है, यानी जाली भी बन गया। और अगले फंदे के दोनों तरफ हमें दो का एक करना है। यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया है, अगला फंदा सीधा और फिर हम इन दो फंदों को दो एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे। तो एक बार हमें एक देखिए, ये दो मेन लाइनें गई हुई हैं, तो दो मेन लाइनें गई हैं, एक ये और दूसरी ये। तो एक बार एक लाइन के दोनों तरफ हमें जाली देना है और दूसरी लाइन के दोनों तरफ हमें दो का एक करना है। यहाँ पे हमने जाली दिया और यहाँ पे हमने दो का एक किया। इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे और दूसरी तरफ हम जाली भी देंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक भी कर देंगे। अब देखिए, इस फंदे के दोनों तरफ हमें दो का एक करना है, तो यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया है। सेंटर फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और फिर इसके दोनों तरफ भी हमें दो का एक करना है, तो दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे। पहले दूसरी वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालना है। यहाँ पे हमने दो का एक किया, एक फंदा घट गया, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, तो एक जाली हमारा पड़ गया। अब दूसरी जाली डालने के लिए ऊन अपनी ओर करेंगे और इस फंदे के दोनों तरफ हमें दो का एक भी करना है, तो दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, तो इस फंदे की तरफ जाली भी पड़ गया और दूसरे फंदे की तरफ दो का एक भी हो गया। अगला फंदा हमें सीधा बुन लेना है और दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, तो ये दूसरा फंदा भी हो गया। और इस फंदे की तरफ हमें जाली देना है, दो का एक किया, एक फंदा घट गया, तो अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फंदा बैलेंस भी हो गया और हमारा जाली भी पड़ गया। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा। रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदे हमेशा उल्टे ही बुनने हैं और डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से ही पड़ेगा। देखिए सामने से ऐसा और रॉन्ग साइड से भी कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।